और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, किरण रिजिजू केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उन्होंने हमला बोला है एक तरह से अरविंद केजरीवाल पर। उन्होंने गैमलिन प्रकरण को लेकर यह हमला किया है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मामले पर वार की बात कही है, अराजकता फैला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दरअसल गैमलिन की नियुक्ति को लेकर ही ये पूरा विवाद जो है वो सामने आया है। गैमलिन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है और गैमलिन ने जबरदस्त काम किया है, ये कहना है किरण रिजिजू का। नॉर्थ ईस्ट समुदाय में मामले पर नाराजगी है। एक हमारा पूर्वोत्तर से एक लेडी ऑफिसर है शकुंतला गैमलिन, और वो जो है बहुत ही अपराइट, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड सबको मालूम है। तो केजरीवाल और उसका सरकार के मंत्री लोगों ने जिस हिसाब से जो कैरेक्टर एसेसिनेशन का काम किया है, उससे हमारे वहाँ के सिविल सोसाइटी में और वहाँ के आम जनता लोगों में काफ़ी दुखी है कि आप अराजकता पैदा करना चाहते हैं और उस प्रक्रिया में आप किसी ऑफिसर को उसके कारनामे को लेकर के आप बदनाम करने का जो कोशिश कर रहा है, ये संदेश अच्छा नहीं गया है और इस चीज को मैं खंडन करना चाहता हूँ। मंजीत नेगी हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मंजीत, किरण रिजिजू का भी बयान आ गया है और अराजकता फैलाने की बात कही है, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर अब ये समझना जरूरी है, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है कि दरअसल संविधान क्या कहता है। क्या वाकई नियुक्ति का हक मुख्यमंत्री को ही है राज्य के, या फिर LG ले सकते हैं? देखिए, अभी तक जहाँ तक संविधान और दिल्ली NCR की अगर बात की जाए, CM के अधिकारों की बात की जाए, अभी तक सहमति की बात होती थी। LG मुख्यमंत्री की सहमति, और LG को ही अधिकार होता है कि वो अधिकारियों की नियुक्ति करें गृह मंत्रालय के अधीन, क्योंकि पूरा मामला आता है। लेकिन ये फिलहाल जो एक तरह से अरविंद केजरीवाल और सीधे सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की लड़ाई है, वो उसका नतीजा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जहाँ तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी का सवाल है, कल ये सवाल जो डोनर के मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी इस बात का एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई थी कि अगर इस मामले में ये मामला तूल पकड़ता है तो उस पर केंद्र कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि DOPT के मंत्री हैं और पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री हैं। और अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, जो कि नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उन्होंने खुलकर अधिकारी का साथ दिया है, शकुंतला गैमलिन का साथ दिया है, और उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि एक तरह से नॉर्थ ईस्ट को जो जिस पर के लोगों को लगातार जो निशाना बनाया जाता रहा है दिल्ली में, अब एक अधिकारी को इस तरह से ह्यूमिलेट किया जा रहा है। जी।